What's up YouTube, I am back with another video. So आज मैं एक और प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला हूँ. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, सबसे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद उस बेल आइकन को भी दबा दें. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला हूँ हेयर सीरम स्ट्रिक्स का. जैसा कि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ प्रोडक्ट्स की, वो बिल्कुल डीप इंग्रेडिएंट्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, प्रैक्टिकल यूज़ की देता हूँ, साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, खुद पे यूज़ करके फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ. तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आप अच्छी तरह अपने बालों को हेल्दी रख सकें, राइट. सो ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली हीट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है. तो जब आप अपने बालों को धो लेते हैं उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है बिल्कुल लिटिल अमाउंट में. उसके बाद अपने बालों को हेयर ड्रायर वगैरह करें ताकि आपके जो हेयर्स हैं वो डैमेज ना हो, ठीक है. कुछ लोगों के बाल हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ करने से काफ़ी टूटते हैं, तो ये उससे बचाएगा आपको. तो मैं बताना चाहूँगा गाइस, ये कोई प्रोडक्ट ऑल नेचुरल नहीं है, ये इसमें केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, बट वो इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को हार्म नहीं करेंगे. तो मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि इसमें पहला इंग्रेडिएंट है साइक्लोमेथिकॉन, जो कि बेसिकली आपके बालों में शाइन प्रोड्यूस करता है, आपके हेयर्स में शाइन लाता है, प्लस उसमें बालों को काफ़ी सॉफ्ट बनाता है. ये पहला इंग्रेडिएंट है. सेकंड इंग्रेडिएंट इसमें है डाइमेथाकोनल, अगेन ये आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है, शाइन लाता है बालों में, बिल्कुल आपके अगर बाल काफ़ी कर्ली टाइप हैं तो उनमें काफ़ी एक यू नो रूखापन है उसको दूर करेगा, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट देगा. तीसरा इसमें लाइट लिक्विड पैराफिन. गाइस ये जो इंग्रेडिएंट है, जैसे कि यूवी रेस हमारे बालों को स्किन को काफ़ी हार्म करती है, ये उससे बचाता है, तो ये भी इंग्रेडिएंट इसमें है. अगला है इसमें ऑक्टिल मेथॉक्सीसिनामेट. ये इंग्रेडिएंट बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मार्केट में आते हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक ले लो उसमें भी होता ही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट, ये उसमें काफ़ी उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है. जैसे 2 साल प्रोडक्ट चलता है, 3 साल चलता है, ये बेसिकली ये वो इंग्रेडिएंट है. परफ्यूम इसमें यूज़ किया गया है ताकि आप जो यूज़ करें थोड़ी फ्रेगरेंस के लिए, स्मेल अच्छी आए, तो ये यूज़ किया गया, बालों के लिए हार्म नहीं करेगा. विटामिन ई है, वॉलनट ऑयल है और आलमंड ऑयल है, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी बेनिफिट देता है. सो ऑल एंड ऑल मैं बताऊँगा ये प्रोडक्ट आप, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ बिफोर हेयर ड्राइंग माय हेयर, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं. मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा आप, अगर आप बालों को हेयर ड्राइव करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं, तो आप बिफोर ड्राइंग योर हेयर आप इसको ज़रूर यूज़ करें ताकि आपके बाल डैमेज ना हो और आपके हेयर जो हैं वो हेल्दी रहें. सो ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, बाज़ार में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, स्ट्रिक्स का हेयर सीरम. ये थी मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करने को बोलें. मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा हेयर स्किन एंड हेल्थ के रिलेटेड, जो कि डीप इन्फॉर्मेशन होगी, ना कि ऊपर ऊपर से बता दूंगा. मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल साइंस बेस्ड प्रैक्टिकल यूज़ खुद पे यूज़ की हुई वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, राइट. तो अगर आपको मेरी और भी वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी. सो ऑल राइट गाइस, ये था मेरा आज का प्रोडक्ट रिव्यू. टिल देन, से सेक्सी.